तो हेलो गाइस, मेरा नाम है भूपेश कुमार वर्मा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है बीके क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टाइप की मैजिशियन वाली पिक कैसे एडिट करते हैं ये सिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिकआर्ट में चलते हैं। यहाँ पर हम पिकआर्ट पर आ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं कटआउट की ओर। कटआउट में हम अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को अच्छे से तरीके से इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब हम ड्रॉ की ओर चलते हैं। ड्रॉ फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें ऑल टाइप के पिक्स को, PNG को अपने और बैकग्राउंड को अपने पिक के साथ अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओके, यहाँ पर अब हम चलते हैं फ़ोटो लेयर में। फ़ोटो लेयर में हम अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब अरेंज हो चुका है। तो अब हम अपने आई को इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने साइज़ को छोटा कर दिया है इरेजर के, तो अब हम आई को इरेज कर लेते हैं। आई हम इसलिए इरेज करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इससे मैजिशियन वाली लुक आएगी और ओरिजिनल मैजिशियन लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा आई इरेज हो चुका है। अब हम फोटो पर चलते हैं। उसके बाद हम एक लेयर सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इस लेयर को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लेयर अभी अच्छे से अरेंज हो रहा है। तो इसके बाद हम 3 डॉट पे चल के ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और इस लेयर को और अच्छे से अरेंज करते हैं। ओके, अब हम इसे नीचे लेयर में ला के ब्लेंड में जा के स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे और अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमारा पिक अभी अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अरेंज करते हैं। ओके ठीक, अरे नहीं यार, थोड़ा सा और छूट गया, तो हम इसे और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ओके, अब सही है। यहाँ पे हमारा लेयर अच्छे से अरेंज हो चुका है। तो अब हम ऐड फोटो पर चलते हैं। उसके बाद हम इस टाइप की PNG को सेलेक्ट करते हैं और अपने लेयर के साथ अरेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे लेयर के साथ अरेंज हो चुका है। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और अच्छे से अरेंज करते हैं अपने हैंड के साथ ताकि ये ओरिजिनल लगे। तो अब हम इसे ओपेसिटी को कम कर देते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसे अच्छे से इरेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ओरिजिनल मैजिशियन की लुक आएगी और ये कहीं भी फेक नहीं लगना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से बहुत ध्यान से ही इरेज करना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं। ओके, अपने सभी फिंगर्स पे इस अच्छे से इरेज कर लेते हैं। तो हम इसकी साइज़ को थोड़ी और बड़ी करके अपने हैंड्स के नीचे वाले हिस्से की तरफ भी अच्छे से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हम बढ़ा दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं ऐड फोटो पर और अपने सेकेंड हैंड के लिए मैजिक का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है। तो अब इस लेयर को हम अपने हैंड के साथ अच्छे से अरेंज करके इसे हम अच्छे से इरेज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अरेंज हो चुका है। तो अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। इरेज यहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे हम अच्छे से इरेज करना पड़ेगा हमें। तो हम ऑल फिंगर पे अच्छे से इरेज कर लेते हैं। इरेज यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पिक को देखने वाले को ऐसा ना लगे कि ये फेक है, और यहाँ पे अच्छे से इरेज करना पड़ेगा और सभी फिंगर्स को एकदम परफेक्टली इरेज करना पड़ेगा ताकि ऐसा लगे कि हमारे हैंड से ही उस टाइप का मैजिक हो रहा है। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम सभी फिंगर्स पे इरेज कर लिए हैं। अब हम इस लेयर के ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं और ब्लेंड में जाकर हम इसे स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब स्क्रीन हो चुका है। तो अब ये ओरिजिनल लुक लग रहा है, तो हम अब इसे यस कर लेते हैं। ओके, अब हम ऐड फोटो पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो ऐड फोटो आ गया। तो अब यहाँ से हम इफेक्ट वाले PNG को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब ऐड करते हैं हम। अब यहाँ पर हम इसे क्रॉप कर लेते हैं हल्का सा। इसके बाद इफेक्ट में चलकर हम इसके कलर को अरेंज करते हैं ताकि हमारे पिक के साथ अच्छे से मैच हो सके। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा कलर। अब हम इसे ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर है हम उसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं। उसके बाद यस करते हैं। ओके, फिर हम इसे एक बार और यस करते हैं। अब हम इसे सेव कर लेते हैं।
ओके यहाँ पर सेव हो चुका है, तो वह हम सीधे लाइट रूम में चलते हैं। लाइट रूम में इसलिए चलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इससे हमारे पिक की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है और लुक भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम लाइट में चलते हैं। ओके अब इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके 9 कर देते हैं। उसके बाद हम इसके हाईलाइट्स को भी सेट कर लेते हैं और इसी तरह शैडो वाइट और ब्लैक सबको सेट कर लेते हैं अच्छे से। इसमें वाइट ब्लैक सबको अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी है, इससे पिक की क्वालिटी और लुक और अच्छा लगता है और पिक देखने में कैसा लग रहा है ये इसी पर डिपेंड करता है। तो अब हम कलर पर चलते हैं, कलर में हम कस्टम करते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर को हल्का सा कम कर लेते हैं, उसके बाद टिंट को भी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद वाइब्रेंस और सैचुरेशन को भी हल्का हल्का सेट करना पड़ेगा तो हम उसे भी सेट कर लेते हैं। वाइब्रेशन भी हो गया, अब हम सैचुरेशन को भी हल्का सेट कर लेते हैं। ओके सेट हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम सीधे मिक्स पर चलते हैं और सभी कलर के ह्यू सैचुरेशन और ल्यूमेंस को अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसमें रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू सभी कलर के सैचुरेशन ह्यू और ल्यूमेंस को अच्छे से सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सेट करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि इससे पिक की कलर ओरिजिनल लगती है और इससे अच्छा लुक आता है, तो हम इसे अच्छे से कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप भी अपने पिक के हिसाब से इसे अच्छे से सेट कर लेना, कम या ज़्यादा जो भी देख के। तो हमारी मिक्स की सेटिंग हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट की ओर। इफ़ेक्ट में फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्लियरिटी को हल्की सी कम कर लेते हैं और DH को 5% रख लेते हैं। 5% हो गया हमारा। अब हम विग्नेट को सेट कर लेते हैं। विग्नेट फ्रेंड आप अपने पिक के हिसाब से सेट कर सकते हो, मेरी पिक में मैं हल्की हल्की सी कर रहा हूँ ताकि पिक में ज़्यादा गहरा ना लगे और ब्लैकिश ना हो पिक। उसके बाद हम नॉइज़ रिडक्शन को हम बढ़ा देते हैं हल्का सा और कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम सीधे स्नैपसीड में चलते हैं। स्नैपसीड में फ्रेंड हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम टूल में जाकर सेलेक्टिव में जाते हैं, फिर हम ब्राइटनेस सीधे अपने फेस पर फोकस करते हैं, उसके बाद ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाते हैं फ्रेंड। और इसी प्रकार सैचुरेशन और बाकी टूल को भी हम हल्का सा सेट करते हैं। ओके अब हम इसे यस कर देते हैं। फिर टूल पर चल के हम विंटेज पर चलते हैं। उसके बाद 4 नंबर के इफेक्ट पर जाकर हम इसके स्टाइल और विंगेट को हल्का हल्का कम कर सकते हैं। उसका ओके करते हैं फ्रेंड। तो हमारी पिक रेडी हो चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं पहले कैसी थी और अब कैसी हमारी ये पिक। तो थैंक यू गाइस मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।